एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आपने बहुत सारी 3D रंगोली देखी होगी और ट्राई भी किया होगा, बट यहाँ पर हम कुछ और बनाने वाले हैं, कुछ लिविंग थिंग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे फ्रॉग, वो भी जो नॉर्मल उसका कलर होता है वो कलर का नहीं बनाने वाले हैं, हम ब्लू कलर का फ्रॉग बनाने वाले हैं और उसी को हम 3D बताएंगे। तो इसके पहले आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे उसमें मैंने आपको एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा बताई है कि आप पहले तो उसे ड्रॉ प्रॉपर करें और उसके बाद जो कलर शेड है वो प्रॉपर यूज़ करें और उसी के साथ जो शेडो है वो बनाना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो फ्रॉग है वो बनाना। तो सबसे पहले स्केच करना है आपको, स्केच आपका प्रॉपर होना चाहिए और जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ आपको कि ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कीजिए आप, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप कुछ बटर पेपर पे ड्रॉ करके भी उसे ट्रेस कर सकते हैं या फिर आप ग्राफ से बना सकते हैं या फिर बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे आप ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आप फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप फ्लोर पर डायरेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो सबसे पहले आप कॉपी पर बना के देख लीजिए, आप 2 से 3 बार बना के ट्राई कर लीजिए तो शायद आपका हाथ क्लियर हो जाएगा, आप प्रॉपर बना पाएंगे और फिर आप मेन जो आपकी जो प्लेस है वहाँ पर ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हमारा फ्रॉग ड्रॉ करके रखा हुआ है और उसी के बाद हमारी जो रंगोली है वो हम लेते हैं। सबसे पहले हम वाइट कलर लेंगे, वाइट कलर के बाद हम ब्लू कलर लेंगे और ब्लू कलर के बाद ब्लैक कलर लेंगे। तो जो मैंने आपको बताया कि हम ब्लू कलर का फ्रॉक बनाने वाले हैं तो ब्लू के हमको बहुत सारे शेड यूज़ करने हैं। और हमेशा मतलब ये टिप्स आपके लिए कि जब भी आप रंगोली लें उसे पूरा प्रॉपर छान कर लें, मतलब बहुत ज़्यादा वो पाउडर फॉर्म में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जब कलर अप्लाई कर रहे हैं तो कलर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए कि आप उसे छान कर लें, किसी भी आप पतले कपड़े से उसे छान सकते हैं, छन्नी से छान सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि वो पाउडर फॉर्म में हो और एक दूसरे में प्रॉपर मिक्स हो जाए। जैसे कि हमने वाइट कलर में ब्लू कलर मिक्स किया है तो दोनों कलर बिल्कुल प्रॉपर मिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कहीं कहीं पर वाइट कलर अलग दिख रहा है, ब्लू कलर अलग दिखाई दे रहा है। आपको एक प्रॉपर मैनर में पूरा शेड चार्ट जो होता है वो बनाना है, लाइट टू डार्क। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर मैंने सारा कलर मिक्स कर लिया है, अब मैं अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी। तो नीचे की साइड से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सबसे पहले जो मैंने डार्क कलर है वो यूज़ किया है, फिर ब्लू कलर यूज़ किया और ऊपर से मैंने आपको शाइन दिखाई दे रही होगी कि मैंने वहाँ पर शाइन किया। तो यहाँ पर जैसा जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसा वैसा कलर करना है आपको, डार्क, लाइट और सबसे लाइट टोन, ये तीनों टोन आपको यूज़ करना है। उसके बाद हम धीरे धीरे इसमें डिटेल देना स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो हमारा बेस कलर होता है वो हमको पूरा प्रॉपर यहाँ पर फिल करना है और आउट साइड से जो भी आपको बाहर आउटर लेयर में जो दिख रहा है, जो बाहर की साइड जा रहा है वो मैं क्लीन करते जा रही हूँ। तो आपको भी ये प्रॉपर क्लीन करते रहना है अगर आपकी रंगोली कंप्लीट हो जाती है उसके बाद भी आप ऐसा कर सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए जो हमारे जो कॉर्नर्स है, जो लास्ट जो नीचे का साइड है वहाँ पर मैं डार्क कलर यूज़ कर रही हूँ तो आपको डार्क कलर ही यूज़ करना है। और जो बैक साइड जो हेड है वहाँ पर जो शाइन दिख रही है आपको, तो जहाँ पर भी ऐसे शाइन वाला पोर्शन है वहाँ पर आपको ब्लू का सबसे लाइट शेड यूज़ करना है। बट लाइट शेड ऐसे ही नहीं कि आपको डायरेक्ट अप्लाई कर देना है, उसके जो साइड में होगा वहाँ पर डार्क शेड अप्लाई होगा, उसी के साथ एक ग्रेजुअली आपको काम करना है। जैसे कि आपने एक साइड डार्क किया है उसका थोड़ा सा लाइट और लाइट और लाइट, तो ग्रेजुअली आपको काम करना है। अगर आप हैंड में काम करते हैं, आईज में काम करते हैं या फिर जो पूरा फुल फिगर जिसमें जो भी आप बना रहे हैं वहाँ पर आपको सेम बनाना है। अब यहाँ पर जो ब्लैक डॉट देना स्टार्ट किए हैं मैंने आईज कंप्लीट करने के बाद, आईज में आपको दिख रहा होगा कि छोटी सी शाइन दी, तो शेडो आपको जो फ्लोर कलर है उस कलर की देनी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा शेडो नहीं दी है मैंने, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ही शेडो दी है और थोड़ी थोड़ी शेडो के साथ यहाँ पर जो हैंड है और लेग है उसी के वहाँ पर मैंने शेडो दी है और कहीं पर एक्स्ट्रा शेडो नहीं दी है। तो ये आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, शेडो आप पहले भी दे सकते हैं उसके बाद मेन कलर डाल सकते हैं। तो बनाइए आप, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाइए, स्नैक बना सकते हैं आप, बहुत सारे हमारे वीडियोज़ हैं वहाँ से आप कुछ भी बना सकते हैं और बनाकर मुझे टैग करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट। अभी आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग से सिखाने वाली हूँ, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ मोती कैसे बनाते हैं, मोती मीन्स पर्ल्स, और पर्ल्स जो शीप में से निकलते हैं वो कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो हम ये स्केचिंग से नहीं बनाने वाले, ना वाटर कलर से बनाने वाले हैं, ना ऑयल से बनाने वाले हैं, ये हम बनाएंगे रंगोली से। रंगोली से बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है
तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कि कैसे आपको ड्रॉ करना है, कैसे आपको कलर फिलअप करना है, कैसे आप उसमें शाइन दिखा सकते हैं और कैसे आप उसे 3D दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम स्केचिंग की साइड। सबसे पहले हम उसे स्केच करते हैं। मेरे पास वो स्केच रेडी है, तो मैं आपको उसके ऊपर से टिप्स बताती हूँ कि कैसे आपको स्केच करना है। अगर आपकी स्केचिंग प्रॉपर नहीं है तो आप ग्रिड से भी कर सकते हैं, बाकी आप फ्री हैंड करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम स्केचिंग। सबसे पहले आपको पेंसिल लेना है। अगर आपका डार्क बैकग्राउंड है तो आपको लाइट पेंसिल यूज़ करना है। अगर आपका लाइट बैकग्राउंड है तो आप 2B से 10B तक कोई सी भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो। ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करिए, आप मतलब चारकोल पेंसिल ना यूज़ करें, ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करिए तो ज़्यादा बेटर बनेगा। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने बहुत सारे सर्कल बनाया है और सर्कल के अंदर भी आपको कुछ सर्कल दिखाई दे रहे होंगे। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है पहले आपको वैसा ही ड्रॉ करना है। पहले सर्कल बनाना है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल बनाना है। फिर आपको लेना है वाइट कलर, और उसके बाद ब्लू कलर, फिर उसके बाद येलो कलर। अब हम इसे करेंगे मिक्स। सबसे पहले हमको व्हाइट कलर में ब्लू कलर मिक्स करना है, और फिर ब्लू कलर के साथ हम मिक्स करेंगे येलो कलर, क्योंकि हमारे जो मोती है उसमें बहुत सारे शेड दिखाई दे रहे हैं जो लाइट्स के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसी लाइट्स होती है वैसे शेड हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हमें ब्लू और येलो का मिक्सअप दिखाई दे रहा है, तो हम वो बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने व्हाइट कलर यहाँ पर अप्लाई किया है, उसी के साथ में मैंने ब्लू कलर भी किया है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि कहीं कहीं पर मैं डार्क और लाइट शेड यूज़ कर रही हूँ, कहीं पर मैंने पूरा व्हाइट कलर अप्लाई किया है। तो जैसा मैंने किया आपको वैसा ही करना है। पहले आपको बाउंड्री कवर करना है, फिर उसके बाद आपको जो पोर्शन दिखाई दे रहा है बीच का जो ब्लूइश पोर्शन है वो कम्प्लीट करना है, और उसके बाद शाइन डालना है। आपको शाइन वाला पोर्शन आपको लास्ट में कम्प्लीट करना है, जैसे कि व्हाइट डॉट आपको बीच में दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ही करते करते हम सारे जो मोती हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट जैसा मैंने बनाया उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे बनाने हैं। अब मैंने यहाँ पर येलो कलर भी यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे येलो शेड ज़्यादा दिखाई दे रहा था पिक्चर में, तो मैंने यहाँ पर येलो शेड यूज़ किया है। ऐसे ही आपने जितने भी मोती ड्रॉ किए हैं, जिस भी शेप के ड्रॉ कर रहे हैं, बड़े या छोटे, आपको सभी को कलर फिलअप करना है। आपको जो छोटी छोटी डिटेल्स है वो कंप्लीट कर लेनी है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने छोटे छोटे कर्ल्स बनाए हैं, तो वो जो कर्व है वो भी आपको प्रॉपर बनाना है और शाइन भी आपको प्रॉपर देना है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक के पीछे एक मैं मोती बना रही हूँ, तो वो आपको वैसे ही कलर करना है। ऐसा नहीं है कि अगर वो राउंड में है तो आप उसको थोड़ा सा साइड करके कलर करें, राउंड में है तो प्रॉपर राउंड में ही कलर करना है आपको। सो यहाँ पर हमारे बहुत सारे मोती कंप्लीट हो चुके हैं, लास्ट के दो मोती बचे हुए हैं। मोती कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हमने दी है शेडो। तो शेडो आपको मोती के अकॉर्डिंग ही देनी है। अगर वो कर्व में है तो कर्व शेडो ही आपको देनी है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो हमारी रंगोली कंप्लीट हो चुकी है। ये आपको प्रॉपर 3D जो मोती है वो दिखाई दे रहे होंगे। अब फोटोग्राफ्स में देखेंगे तो बहुत प्यारे लगेंगे ये। और उसी के साथ जो शेडो है वो आप प्रॉपर दीजिए, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। इसके पहले आपने मेरा शिमला मिर्ची वाला वीडियो तो देख ही लिया होगा। हम ये सारी सब्जियों की 3D रंगोली बनाने वाले हैं और बना के इन्हें बेच देंगे, बट बिकेगी तो ये नहीं क्योंकि हम इसे मिटा देते हैं। तो आज हम गेस करो क्या बनाने वाले हैं, आपने शायद थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। तो आज हम बनाने वाले हैं मटर, ठीक है। तो हम सबसे पहले उसे ड्रॉ करेंगे और फिर उसे बनाएंगे। तो उसके लिए आप पहले से बता दीजिए कमेंट करके कि कौन सा कलर हम यूज़ करेंगे। आई थिंक आप सभी को पता ही होगा अगर आप आर्टिस्ट हैं तो, कि कौन सा कलर हम यूज़ करेंगे। बट उसके साथ जैसे ग्रीन कलर हम यूज़ करने वाले हैं, उसके साथ हम और कौन कौन से कलर यूज़ करेंगे, वीडियो पॉज करके एक बार कमेंट कर दीजिए। और अगर शिमला मिर्ची वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आ रहा है, वहाँ जाकर आप उसे सीख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम पेंसिल के साथ और फ्लोर के साथ ड्रॉ करना।
यहाँ पर ड्रॉ मेरे पास पहले से कंप्लीट है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी पहले से आपको पत्ती जैसा एक जो शेप है वो बनाना है, लीफ जैसा, और उसके बाद आपको उसमें छोटे छोटे से सर्कल बनाने हैं। तो यहाँ से आप वो ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो हर बार मैं बोलती हूँ आप ग्रिड से कर सकते हैं, बट फ्री हैंड करिए ज़्यादा बेटर होगा। और इवन ड्रॉ करिए, मतलब जैसा मैंने शिमला मिर्च में भी बताया था कि आपका जो एक्चुअल साइज़ होता है उसी साइज़ का आप ड्रॉ करें। बट अगर आप ट्रिकी वीडियो नहीं बना रहे हैं या फिर आप नॉर्मल ही रंगोली बना रहे हैं तो फिर आप किसी भी शेप का यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी भी शेप का ड्रॉ कर सकते हैं और कलर कर सकते हैं। तो हमारा ड्रॉ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, अब हम कलर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वाइट कलर लेंगे, उसके बाद ग्रीन कलर और उसी के साथ साथ ब्लैक कलर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ग्रीन का लाइट शेड बनाना है और लाइट शेड के साथ साथ हम यहाँ पर ग्रीन का डार्क शेड बनाएंगे। तो पहले हमने वाइट के साथ ग्रीन को मिक्स किया है, उसे प्रॉपर मिक्स कर लिया और उसके बाद ग्रीन को ब्लैक के साथ मिक्स किया है। सो यहाँ पर मैंने आपको जैसा हर बार बताया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर छोटे छोटे से दाने हैं तो आपको पहले एक प्लेन कलर कर लेना है, फिर आपको साइड से एक डार्क लाइन देनी है और उसी के ऊपर आपको लाइट शेड देना है। तो जितनी भी नीचे वाली चीज़ें हैं, जो बैकग्राउंड आ रहा है, जो दाने हैं उसका जो बैकग्राउंड आ रहा है, वहाँ पर मैं डार्क शेड दे रही हूँ क्योंकि वहाँ पर शेडो आ रही है उन सब की, और उसी के साथ ऊपर मैं लाइट भी देते जा रही हूँ। आपको एक एक जो दाना है वो प्रॉपर बनाना है, पहले आप उस पर प्लेन कलर कर लीजिए, फिर उसके ऊपर से आप उस पर शाइन दे दीजिए और जो साइड की जो बाउंड्री है वहाँ पर आप डार्क कलर यूज़ कर लीजिए। तो तीन शेड में आपको यहाँ पर काम करना है, जो आप स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं, अगर आपकी बहुत छोटी सी रंगोली है, छोटा सा आप बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो तीन शेड में वर्क कीजिए। अगर आप थोड़ी और बड़ी बना रहे हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा शेड अप्लाई कर सकते हैं तो पाँच शेड में काम कीजिए। तो यहाँ पर हमारा एक मटर कंप्लीट हो चुका है दानों के साथ और एंडिंग भी उसकी कंप्लीट हो चुकी है। सेम जैसे कि हमने यहाँ पर कलर किया है वैसा ही हमें उसके जो ऊपर का साइड वाला जो पोर्शन होता है, कवर पोर्शन, वहाँ पर भी सेम कलर करना है। पहले मैंने वहाँ पर जो प्लेन कलर है वो अप्लाई किया, फिर एक साइड से डार्क और एक साइड से लाइट दिया, बिकॉज ऑफ शाइन एक साइड से आ रही थी तो एक साइड मुझे डार्क करना पड़ा और एक साइड लाइट करना पड़ा। सेम आपको करना है, जितना भी नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पर आप डार्क कलर करेंगे और ऊपर आते आते आपको लाइट कलर करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपने मटर कंप्लीट कर लिए हैं, सभी को इवनली कलर कर दिया है, सभी के जो डिटेल पार्ट है मैं उस पर काम कर रही हूँ। जो डिटेल्स होती है छोटी छोटी सी, जो वाइट पोर्शन है और जो डार्क पोर्शन है, आपको वो कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आती है शेडो, तो शेडो आपको सेम ड्रॉ करनी है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में। एक पोर्शन में मैंने बिल्कुल जो नीचे की साइड है सिर्फ वहीं पर शेडो दी है और जो नीचे रखा हुआ है जो मटर, तो मैंने उसको पूरी शेडो दी है। तो शेडो अगर आप प्रॉपर बनाएंगे तो 3D लगेगा। थैंक यू सो मच, आप बनाइए, मुझे टैग कीजिए इंस्टाग्राम पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।